आरक्षण को लेकर देश में एक बार फिर से बहस छिड़ी हुई है। इस बीच कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना राष्ट्रपति महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से की है। पुनिया ने कहा कि दोनों सिर झुकाकर हमला करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब पहली बार 2014 में संसद पहुंचे थे तो संसद की सीढ़ी पर माथा टेका था, फिर जब वो 2019 में आए तो संविधान पर माथा टेका, लेकिन जब से वो पीएम बने हैं संविधान और संसद के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फिर पुनिया ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने भी गांधी जी की हत्या करने से पहले उनका नमन किया था। पुनिया के मुताबिक गोडसे और मोदी दोनों एक ही संस्कृति के हैं। तो नाथूराम गोडसे ने भी सबसे पहले गांधी जी के पहले पैर छुए थे और उसके बाद गोली मारी थी, तो इनकी पुरानी परंपरा है, इसमें मत जाइए। लेकिन ये सीधा सीधा है कि आज SC ST OBC के अधिकारों पर खुलम खुला हमला हो रहा है और इसमें केंद्र में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी से लेके सब जितने लोग हैं वो सब पूरे शामिल हैं।